आज थारे को पोदार परिवार की सबसे बड़े बेवकूफ से मुलाकात करवाता हूं। यह है सीताराम बियानी की छोरी, आपकी पत्नी। इन्हें इतनी भी अक्कल ना है, ये इतने महंगे गहने ऐसे लेके जा रही थी जैसे पुरानी किताब रद्दी के भाव में बेचने जा रही हैं। बिल्कुल सही कह रहे हो पापा जी आप। अब अगर यही काम मैं करती तो सब यही कहते, पढ़ाई लिखाई कम की है ना, इसलिए दिमाग भी कम होगा। पर देखिए, यहाँ तो साक्षात पढ़े लिखे लोग बेवकूफी कर रहे हैं। विभोर मेरे साथ मिलकर इमिटेशन ज्वेलरी एक्सपोर्ट में पार्टनरशिप करना चाहते हैं। मैं उसी के लिए यहाँ पर आया हूँ, पार्टनरशिप डील का इनिशियल अमाउंट लेने। पैसे तो फुर हो गए। आप जैसे आए थे ना वैसे उल्टे पांव लौट जाइए। इसको बोल दे कोई पैसे वैसे ना मिलने से। आप हमें कुछ दिन का टाइम दे दीजिए, हम अपने शेयर के पैसे आपको दे देंगे, जल्दी दे देंगे। व्हाट मिस्टर विभूर, आप पहले पैसे देने के लिए घर पर बुलाते हैं और उसके बाद ये सब, यू नो, इस डील के लिए मेरे पीछे 3-3 क्लाइंट घूम रहे थे, लेकिन मैंने आपके साथ पार्टनरशिप करनी चाहिए। अगर आपके पास पैसे नहीं थे तो मुझे बता देना चाहिए था, मैं घर पर आता ही नहीं और किसी के साथ डील कर लेता। नहीं नहीं, तो अगर अभी पैसे चाहिए तो आप मेरे साथ चलिए, मैं अपनी ज्वेलरी बेच के आपको अभी पैसे दे दूंगी। नहीं रीति, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। और प्लीज, तुमने तो कहा था कि बिजनेस और इमोशन दो अलग चीज होती है, और ज्वेलरी तो हम कभी भी खरीद सकते हैं, वापस मिल सकती है, लेकिन बिजनेस का इतना बड़ा मौका मैं खोने नहीं दे सकती। ये लो, ये वही पैसे हैं ना जो कबर से चोरी हुए थे। लेकिन बुआ जी, ये पैसे आपको कहाँ मिले? विभूत, पहले तुम ये पैसे अपने पार्टनर को दे दो, उसके बाद हम लोग बात करेंगे। मैंने ही कबर्ड से वो पैसे निकाले थे। बुआ जी, आपने? मैं नहीं मानती। मैं तुम दोनों का टेस्ट लेना चाहती थी, मैं देखना चाहती थी कि तुम्हारी डिफिकल्ट सिचुएशन में विभोर तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा या नहीं, और विभोर की खुशी के लिए तुम कितनी हद तक आगे जा सकती हो। एंड गेस व्हाट, तुम दोनों इस टेस्ट में पास हो गए। तुम दुनिया को दिखाओ या नहीं, लेकिन तुम्हारे दिल में एक दूसरे के लिए गहर है। तुम एक दूसरे को डिफिकल्ट सिचुएशंस में नहीं देख सकते। एक अच्छे रिश्ते की नींव तभी पड़ती है जब दो लोग अपनी खुशियों से ज्यादा एक दूसरे की खुशियों को महत्व दें। तुम्हारा दिल इतना बड़ा है तो क्या मैं कुछ मांग सकता हूँ? क्या चाहिए तुम्हें? तुम्हारा साथ।